दोस्तों, क्या आप भी अपने मोबाइल फ़ोन को सिर्फ कॉलिंग के लिए, मैसेजिंग के लिए, वीडियोस देखने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए, इन्हीं सभी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे इनक्रेडिबल वे, कुछ ऐसे तरीके मोबाइल फ़ोन का यूज़ करने के जो कि आप नहीं कर रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मोब ट्रिक्स। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, आपने रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां चलती हुई देखी होंगी, तो क्या आपको मालूम है कि उसकी स्पीड कितनी है? डोंट वरी, आप ये चीज भी अपने मोबाइल से कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल से डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं कि सामने वाली गाड़ी की स्पीड कितनी है। आपको प्ले स्टोर पर एक स्पीड गन नाम की एप्लीकेशन मिल जाएगी जिसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद इधर से आप अपने और गाड़ी के बीच के डिस्टेंस जो है वो इधर से डाल दीजिए और ध्यान रखना आप ये जो डिस्टेंस डाल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको स्पीड दिखाई जाएगी। तो जितना हो सके उतना एक्यूरेट डिस्टेंस डालने की कोशिश कीजिएगा। फिर इधर से आप जिस भी गाड़ी को ट्रैक करना चाहते हैं उधर से इसको सिंपली इधर से स्वाइप कीजिए और फिर आपको उसकी स्पीड देखने को मिल जाएगी। तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी गाड़ी की स्पीड को जान सकते हैं। दोस्तों, हम बहुत सारे पैक्ड फूड खाते हैं, बहुत सारे बिस्किट, बहुत सारे चॉकलेट्स, बहुत सारे पैक्ड फूड खाते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि उसमें आपको कितने परसेंट कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है? शायद आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की होगी। या फिर कभी दोस्तों, अगर आप पार्ले जी खा रहे हैं या फिर गुड्डे खा रहे हैं तो इन दोनों में से आपके लिए बेहतर कौन सा है? आप अगर हेल्थ कॉन्शियस है तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी होगा कि आपके लिए बेहतर कौन है। तो आप ये चीज़ें अपने मोबाइल फ़ोन से डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं। आपको फिटनेस पल नाम की एक एप्लीकेशन मिलती है जहां से आप किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी खाने वाले प्रोडक्ट का आप डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि उसमें कितना परसेंट कार्ब है, कितना फैट है, कितना प्रोटीन है, कितने परसेंट कितना न्यूट्रिशन है। ये सारी चीज़ें आप बहुत ही आसानी से मालूम कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बिस्किट, कौन सा चॉकलेट, कौन सा पैक्ड फूड खाना बेहतर रहेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, आप किसी भी वेजिटेबल, किसी भी फ्रूट का भी बारे में जान सकते हैं कि इसमें कितना परसेंट कौन सा न्यूट्रिशन, कितना परसेंट पाया जाता है। ये सारी चीज़ें आप बहुत ही आसानी से जान सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। दोस्तों, आप अपने मोबाइल फोन को एक साउंड मीटर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। आप किसी भी आवाज को डिटेक्ट करके बता सकते हैं कि ये आवाज कितनी तेज है, कितना लाउड है। आपको प्ले स्टोर में बहुत सारी एप्लीकेशन मिलेंगी साउंड मीटर के नाम से, तो आप उसमें से किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और फिर उसके बाद आप इधर से देख पाएंगे कि आप जो भी आवाज कर रहे हैं वो कितना लाउड है, चीज अगर आप सुन रहे हैं तो वो कितना लाउड है, वो आपके लिए सही है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। दोस्तों, आप अपने मोबाइल फोन का एक मेटल डिटेक्टर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे आपको चेक किया जाता है कि आपके पास कहीं मेटल तो नहीं है। तो ठीक उसी तरीके से आप अपने मोबाइल फोन को भी एक मेटल डिटेक्टर के रूप में यूज कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन मिलेगी मेटल डिटेक्टर के नाम से, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर उसके बाद किसी भी मेटल को अपने फोन के पास लेके आइए, आपके फोन के जो फ्रंट कैमरा रहता है, जो उधर सेंसर रहता है, उसके पास लेके जाइए। बस आपको बता देगा कि ये मेटल है कि नहीं। मेटल रहेगा तो आवाज तेज होगी, टू टू करने लगेगा, और नहीं रहेगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, एक नॉर्मल इंसान का दिल एक मिनट में 60 से 100 बार धड़कता है। क्या आपको मालूम है कि आपका हार्ट बीट क्या है, आपका दिल एक मिनट में कितनी बार धड़क रहा है? तो आप जरूर से अपने मोबाइल फोन से ये मेजर कर सकते हैं कि आपका दिल एक मिनट में कितनी बार धड़कता है। आपको इंस्टेंट हार्ट बीट नाम की एक एप्लीकेशन मिलेगी प्ले स्टोर से, जिसको आप इधर से डाउनलोड कर लीजिए। फिर उसके बाद आप अपनी फिंगर को अपने कैमरे के सेंसर के पास लेके जाइए और एक मिनट तक ऐसे ही रखिए। फिर वो आपको बता देगा कि आपका दिल एक मिनट में कितनी बार धड़का है। वैसे मेरा बोलूंगा तो मेरा 74 से 84 तक आया था। तो आप नीचे मुझे कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि आपका क्या है, हार्ट बीट क्या है आपका। तो दोस्तों, ये कुछ 5 इनक्रेडिबल वे थे जैसे कि आप अपने मोबाइल फोन को कुछ अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो बेशक लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड डे एंड टेक केयर।